हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। द 100 वुमेंस के 16 मैच के अंदर हम बात करेंगे। जो मुकाबला NOS वुमेंस वर्सेस MNR वुमेंस के बीच में ये मैच खेला जाएगा, सीरीज़ का एक और बेहतरीन और जैकपॉट मुकाबला, जो आप सभी के इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैच काफ़ी अच्छा रहेगा। रिसेंट आप इस सीरीज़ के कल के भी मैचेस के अंदर आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट कमाए, बैक टू बैक हम इस सीरीज़ के अंदर प्रॉफिट ही बना रहे हैं। कल के मैचेस में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने स्मॉलिस्ट के साथ साथ मिनी जीएल में भी क्लीन स्वीप करके आ रहे हैं। तो ये भी मैचेस हाई इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशन देंगे। वीडियोस को सिर्फ एंड तक देखें ताकि जो भी इनकी पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर और खास करके देखो जो हमारे लॉजिक बेसिस पर डिफरेंशियल और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे, वो सारे A to Z इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में ही मिलेंगे, जो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इस मुकाबले को विन करना। तो एंड तक इस वीडियोज़ को देखिएगा। और सबसे पहले हमारे टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारी फैंटेसी टीम्स होती हैं टॉस के बाद इसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे देते हैं। और यहाँ पे जुड़ने के लिए आप सबको सर्च नहीं करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है और आप लिंक के थ्रू जुड़ेंगे तो हमारे डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जुड़ पाएंगे। और इसलिए लिंक के थ्रू जुड़ना है क्योंकि देखो अभी हमारे नाम से बहुत सारे फेक जो चैनल है टेलीग्राम का, वो लोग बनाकर रखे हैं जहाँ पर बैटिंग बेच रहे हैं, जहाँ पर हमारे बिल्कुल भी जेन्युइन एक फ्री टीम ही मिलती है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, सबसे पहले देखो अगर हम इनकी पिच की बात करेंगे तो ये जो वेन्यू है हेडिंग्ले लीड्स के वेन्यू पर मैचेस दिखेंगे दोस्तों। और जो पिच है ना एक तरह से यहाँ पर बैलेंसड ही दिखेंगे, जिसमें से बॉलिंग और बैटिंग दोनों को ही काफ़ी अच्छी हेल्प मिल रही है। थोड़ी सी यहाँ पे देखेंगे तो बॉलिंग इंपैक्ट जहाँ पे स्पिनर्स को अच्छी मदद मिल रही है इस वेन्यू पे, तो ज़्यादातर बॉलिंग से स्पिनर्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जहाँ पे अब तक इस वेन्यू पे टोटल 13 मैचेस खेले गए थे, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 8 बार जीते, बैटिंग सेकेंड विन करने वाली टीम ने 4 बार जीते। एक मैच इस वेन्यू पे दोस्तों नो रिजल्ट रहा था और फर्स्टिंग बैटिंग एवरेज स्कोर 164 रन आपको नजर आएंगे। देखो दोनों ही टीमें लास्ट ईयर जो 5 मैचेस अपने हेड टू हेड खेले थे वहाँ पे NOSW की टीम ने 2 बार जीते, तो MNRW की टीम ने भी 2 बार अपने रिसेंट मैचेस मतलब ये लास्ट ईयर जीत कर आ रही है। तो दोनों ही टीमें यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम आपको दिखेंगी। और दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे जो MNR वुमेंस की टीम है, लास्ट के अपने 3 मैचों में 2 जीते और एक रिसेंट मैचेस ही अपने हार कर आ रही है। तो हालांकि दोस्तों क्या कुछ इनकी प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, रिसेंट फॉर्म रहने वाले और किस प्लेयर को टीम से पिक करना, किस प्लेयर को ड्रॉप करना, आइए देख लेते हैं। तो इनके टीम की ओर से लोरा दिखेंगे, जिसमें यूपन बैटिंग कराते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच में 78 से पहले 12 प्लस स्कोर और उसके बाद 37 का स्कोर था। इनकी देखोगे तो जो हेड टू हेड के अंदर भी यहाँ पे 2 मैचेस के अंदर 13 रन और सिर्फ 6 का एवरेज नजर आएगा, जहाँ पे वेन्यू पे भी यहाँ पे एक मैचों में 5 रन नजर आएंगे। और द 100 के अंदर अब तक इन्होंने टोटल 21 मैचेस के अंदर 663 रन, जिसमें 39 का एवरेज था। और लास्ट मैच में अच्छे टच में चलने के कारण इनको टीम्स में हम पिक करके चलेंगे, और आप चाहो तो ग्रैंडलीस और मिनी जीएल टीम्स में आप इन्हें कैप्टन वाइस कप्तान भी इस मैच में करके जा सकते हैं। बेथ मोनी काफ़ी टैलेंटेड एक्सपीरियंस वाइज प्लेयर है, किसी भी मैच में एक बड़ी इनिंग आपको खेलकर दे सकती है। लास्ट मैचों में 2, इससे पहले 24 और एक मैच में इनका 219 और एक मैच में 10 प्लस स्कोर आया था। पर द 100 के 22 मैचों में देखोगे तो 741, जिसमें टोटल 43 का एवरेज है। तो टीम्स में इनको यहाँ पर ज़रूर पिक करें, और हो सके तो ग्रैंडिस और मिनी जीएल टीम्स कॉम्बिनेशन की ये कैप्टन वाइस कप्तान के मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटिंग प्लेयर्स रहेंगे, तो ज़रूर इनको टीम में लेकर जाओ। अब यहाँ पे दोस्तों एवे जोन्स की बात करेंगे तो ये देखो तो रिसेंट लास्ट मैचों में 39, इससे पहले 34, उसके बाद एक मैच में 3 प्लस स्कोर था, जहाँ पे हेड टू हेड 2 मैचेस के अंदर 2 विकेट्स निकाल चुकी हैं। वेन्यू पे भी एक मैच के अंदर 1 विकेट्स था, और इन्होंने अपने द 100 के 24 मैचों में अब तक 491 रन, जिसमें 21 का एवरेज आया था। तो एमए जोन्स ऑलमोस्ट देखो तो सिर्फ ऐसे बैटिंग प्लेयर्स है जिसमें 20 और 30 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले इनकी टीम बैटिंग कराएंगे तो फिर इस मैच के ये सेफ चॉइस रहेंगे, तो कोशिश करना पहले इनकी टीम बैटिंग करती है तो ही आप इन्हें टीम में रखो। शोपिया की बात करेंगे तो टीम्स के एक बेहतरीन ऑलराउंडर ऑप्शन है, जिसमें ये बॉलिंग बैटिंग दोनों कराती हुई दिख सकती हैं। आप इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो 7+2 विकेट्स आए, एक मैच में 13+1 विकेट्स, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 27+1 विकेट्स नजर आएंगे। पर इस वेन्यू पे अब तक खेले गए 2 मैचों में टोटल 37 रन और 37 का एवरेज था, जहाँ पे द 100 के 18 मैचेस के अंदर 239 रन, जिसमें 24 विकेट्स और 19 का एवरेज भी नजर आएंगे। तो आपको लिए काफ़ी बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कप्तान के ग्रैंडलीस के डिफरेंशियल ऑप्शंस भी है, तो ज़रूर आप इन्हें मिनी जीएल टीम्स में भी कैप्टन वगैरह करके चलना। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो मॉरिस दिखेंगे तो ये लास्ट के मैचों में 1 विकेट्स विकेटलेस, इससे पहले 2 विकेट्स विकेटलेस आई, हेड टू हेड के 2 इनिंग के अंदर अब तक सिर्फ 13 रन प्लस स्कोर था। हालांकि दोस्तों द 100 के 12 मैचों में अब तक इनको 15 विकेट्स मिल चुके हैं। आप इनके साथ जाना, नहीं तो कैथरीन ब्रेशी में से किसी एक को रख सकते हैं। इन दोनों में से हम किसी एक प्लेयर्स को रखेंगे। हालांकि दोस्तों लास्ट मैच में भी विकेटलेस थी, पर इससे पहले 32-1 विकेट्स आया था। थोड़ी बहुत बैटिंग भी बेहतर है इनका, हेड टू हेड के एक मैच में अब तक 3 विकेट्स निकाली, वेन्यू में भी अच्छा स्टार्ट है, और द 100 के 13 मैचों में 18 का एवरेज, इसमें 9 विकेट्स नजर आएगा। तो आप इन दोनों में से
किसी भी एक प्लेयर्स के साथ यहाँ पे पिक करके चल सकते हैं। बाकी के दोस्तों यहाँ पे जो इम्मा की बात करेंगे तो ये पूरी तरह से फ्लॉप रही सीज़न। हालांकि लास्ट मैचों में 9-1 से पहले 71 था, पर हेड टू हेड के 4 मैचों में अब तक 70 रन बैटिंग ऑर्डर देखोगे तो वो बहुत नीचे आपको नजर आएगा। किम कर थोड़ी बॉलिंग से जानी जाती हैं। लास्ट मैच में भी देखो तो सिर्फ एक प्लस स्कोर, उसके बाद ये 2 मैचों में लगातार विकेट लेस थी। 100 के 3 मैचों में सिर्फ एक ही विकेट्स मिला है। ग्रैंड लीग्स वगैरह में आप ले सकते हैं, स्मॉल लीग्स में अभी यहाँ पर भी हम इन्हें ड्रॉप करके ही जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो इलेन ओरपी दिखेंगे तो अभी आप इन्हें ड्रॉप करो, ये विकेट कीपिंग प्लेयर्स है। लास्ट के 3 मैचों में देखोगे तो इससे पहले भी खेले गए मुकाबले में ऑलरेडी ये फ्लॉप थी, एलिक से ज़्यादा बेहतर है। पर इन्होंने प्रीसीजन के मैचों में विकेटलेस और इन्होंने 100 के 5 मैचेस के अंदर भी पूरी तरह से फ्लॉप आपको नजर आएंगे। बाकी दोस्तों लॉरेन के साथ आप डिफरेंशियल प्लेयर रिस्क ले सकते हैं। हालांकि 100 के 15 मैचों में अब तक सिर्फ इनको 6 ही विकेट्स मिले, पर रिसेंट फॉर्म विकेटलेस 2 विकेट्स विकेटलेस आई, 203 ओवर इनका बॉलिंग दिख सकता है। और देखो बेंच प्लेयर में से अगर कोई भी प्लेयर्स यहाँ से खेलता है तो इन सारे प्लेयर्स के स्टैट्स इन्फॉर्मेशन इसकी अपडेट्स आपको हम अपने टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो जो NSW की टीम है ना, लास्ट के अपने 3 मैचों में 1 जीते और 1 हारे, 1 नो रिजल्ट रहा था। तो इनकी भी टीम की ओर से अगर हम ओपनिंग बैटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो डिविनर दिखेंगे, जिसमें ये दोस्तों ओपन बैटिंग करा रही है। हालांकि दोस्तों अभी तक इन्होंने अभी एक ही मैचेस अपने रिसेंट खेला हुआ है, जहां पे 1 मैचों में 8 रन, ये 100 का रिसेंट फॉर्म था। इससे पहले कुछ डोमेस्टिक लेवल मैचेस खेले पर वहां पे भी फ्लॉप रही, तो अभी यहां से भी इग्नोर करो। अभी इनका काफ़ी नए प्लेयर्स है तो इतने खास एक्सपीरियंस अभी है नहीं, तो ड्रॉप करना ज़्यादा बेहतर है। ओली को इनके प्लेस पर आप टीम में रख सकते हैं। हालांकि टीम के दोस्तों ये लीड कर रही है, 3 मैचेस के अंदर अब तक इनको 25 रन, जिसमें 8 का एवरेज था। रिसेंट मैच में 2-9, इससे पहले सिर्फ 14 ही था। हालांकि हेड टू हेड के 3 मैचों में 87 रन, 29 का एवरेज। इस वेन्यू पर भी 11 मैच में 157 रन, 100 के अंदर भी 21 मैचों में 322, इसमें 16 का एवरेज है। और आप इन दोनों में से किसी भी एक ओपनिंग बैटिंग के साथ जाना होगा तो आप होली के साथ भी जा सकते हैं। लिचफील्ड की बात करेंगे तो दोस्तों ये टीम के मेन बैटिंग और अच्छे रिसेंट मैचों में टच में भी दिखेंगे। फर्स्ट मैच 44, इससे पहले 24 प्लस स्कोर, उसके बाद ये डक पर आउट रही थी। और हेड टू हेड के 2 मैचों में 40 रन, जिसमें 20 का एवरेज दिखेगा। वेन्यू पर भी देखो तो यहाँ पे 213 रन और 42 का एवरेज नजर आएंगे, जहाँ पर 100 के अंदर भी 12 मैचों में 347, जहाँ पे 31 का एवरेज था। और आप चाहो तो ऐसे बैटिंग प्लेयर्स इनको टीम्स में यहाँ पे लेकर जा सकते हैं। सदरलैंड, जिसमें दोस्तों ये कैप्टन वाइस कप्तान के भी बेस्ट चॉइस था, लास्ट मैच में 63+2 विकेट 4 विकेट से आया था। इससे पहले भी 10+1 विकेट, उसके बाद 15+3 विकेट आया। वेन्यू पर भी 2 मैचों में 25 रन, जिसमें 12 का एवरेज, और इन्होंने 2 इनिंग के अंदर 4 विकेट्स निकाले। तो 100 के अंदर भी 9 मैचों में 176 रन, जिसमें 9 विकेट्स और 25 का अवसर दिखेगा। तो कैप्टन वाइस कप्तान भी आप इन्हें करो, ग्रैंड लीग्स और मिनी जीएल टीम्स में, एंड अगर आप चाहो तो स्मॉल लीग्स में भी करके जा सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे विश की बात करेंगे तो विकेट कीपिंग है। हालांकि रिसेंट मैचों में 15 रन और डक पर आउट, इससे पहले एक मैच में 61-10 प्लस स्कोर था इनका। हेड टू हेड के 4 मैचों में अब तक सिर्फ 23 रन, वेन्यू पे भी 11 मैचों में 115 रन। बैटिंग ऑर्डर थोड़ी नीचे दिखेगा, पर उतने खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे नहीं। ऑलरेडी हमने बेथ मोनी विकेट कीपिंग रखा, तो इनको यहाँ से ड्रॉप करना ही बेहतर है। जॉर्जियो वैरम, जिसमें टीम के काफ़ी ऑलराउंडर ऑप्शंस बेहतर दिखेंगी। लास्ट मैचों में 5+1 विकेट, इससे पहले भी देखोगे तो 1 विकेट से आया था, विकेटलेस थे। पर ये हेड टू हेड के 2 मैचों में अब तक 2 विकेट्स निकाले, वेन्यू पे भी 5 मैचेस के अंदर 4 विकेट्स आप देंगे। 100 के अंदर रिसेंट फॉर्म अगर आप दिखेंगे तो 11 इनिंग के अंदर 88 रन, जिसमें 17 का एवरेज, और अब तक 18 विकेट्स निकाल पाई हैं। तो थोड़ी बॉलिंग फॉर्म इंपॉर्टेंट है, टीम्स में आप इन्हें लेकर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो एली की बात करेंगे तो ये रिचर्ड्स जो है ना, थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर आप नीचे दिखोगे, पर रिसेंट मैचों में 27-9, इससे पहले 17, और 1 मैच में 35 आया था, जहाँ पे हेड टू हेड के 3 मैचों में अब तक 39 रन, सिर्फ 19 का एवरेज और 3 विकेट्स दिखेंगे। पर रिसेंट फॉर्म में इन्होंने ओवर्स डाले नहीं है, और इस वेन्यू पे भी 10 मैचों में 133 रन और 17 विकेट्स दिखेगा। डिफरेंशियल प्लेयर है, ग्रैंड लीग्स वगैरह में ही रिस्क लीजिएगा, बाकी स्मॉल लीग्स में तो मैं ड्रॉप करूंगा। केटी क्रोच की बात करेंगे तो लास्ट मैच में 2 विकेट्स 1 विकेट्स विकेटलेस थी, और वेन्यू पर भी देखो तो 6 मैचेस के अंदर 6 विकेट्स, और हेड टू हेड के अंदर 2 मैचेस के अंदर 2 विकेट्स, और इनका 1-2 विकेट्स इस मैच में है, जिसमें डेथ में भी ओवर्स ये डालेंगी। तो टीम्स में आप इन्हें ज़रूर रखें। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लोके की बात करेंगे तो ये लास्ट मैच में विकेटलेस इससे पहले भी फ्लॉप थी, और हेड टू हेड के 3 मैचेस के अंदर सिर्फ अब तक इनको 2 ही विकेट्स मिले, जहाँ पे 100 के 17 मैचेस 14 विकेट्स मिला अब तक। लिंच स्मिथ ज़्यादा बेहतर है, 2 विकेट्स आई, और इन्होंने हेड टू हेड के 4 मैचों अब तक 3 विकेट्स निकाले, जहाँ पे इस वेन्यू पे 12 मैचेस 15 विकेट्स, और 100 के अंदर भी 23 मैचेस के अंदर अब तक 26 विकेट्स निकाल चुके, तो इनको ही सजेशन देंगे। और दोस्तों जो यहाँ पे
ग्रेस दिखेंगी ना, तो रिसेंट के मैचों में विकेटलेस जा रही है, तो इनको रखने से कुछ खास फायदे हैं नहीं। और इन्होंने द 100 के 14 मैचेस के अंदर सिर्फ 5 ही विकेट्स निकाल पाई हैं। और जो यहाँ पे दोस्तों बेंच प्लेयर दिख रहा है ना, इनमें से देखो अगर कोई भी प्लेयर्स अगर खेलता है तो इन सारे प्लेयर्स के स्टैट्स इन्फॉर्मेशन इसकी अपडेट्स में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। तो टेलीग्राम के साथ हमारे ज़रूर से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है। और बाकी के दोस्तों हम बात करते हैं टीम के बारे में। पहले देखो आप देख रहे हो मेरी मास्टर 11 ऐप, और आप इसको डाउनलोड करो अभी। इसका डायरेक्ट डाउनलोडिंग मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, ना विड्रॉल पे ना डिपॉजिट पे, तो पूरी तरह से टैक्स फ्री यहाँ पे। और दूसरी बात कि आप हमारे इन्वाइट कोड FC100 के साथ साइन अप करेंगे तो 100 रुपीज़ का रियल कैश मिलेगा, जिसे किसी भी कॉन्टेस्ट में आप यूज़ करोगे। TDS फ्री है, GST फ्री है, कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ रहा है, डेली फ्री एंट्री वगैरह रहता है। और खास तो ये चीज़ है कि लीडर बोर्ड में जाओ, पार्टिसिपेट करो, और अभी कंपटीशन बहुत कम है, इजीली आप कार वगैरह जीत पाओगे। तो साइन अप करके खेलना स्टार्ट कर दो। बाकी दोस्तों हम टीम की अगर बात करेंगे, और यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी पूरी रिसर्च बेसिस पे इस टीम को क्रिएट करके रखे हैं, और इन सेम टीमों के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे सदरलैंड के साथ हम कैप्टन, और यहाँ पे शोपी हमारे टीम के वाइस कप्तान है, इन सेम टीमों के साथ इन्वेस्टमेंट। और टीम में टॉस के बाद अगर हमारे एक दो चेंजेस होते हैं, जिसकी पूरी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक रहेगा टेलीग्राम के साथ, हमारे ज़रूर से जुड़ जाना। ओनली इन्वेस्टमेंट माई मास्टरलैंड पर आपको करना है डाउनलोड करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम।